चलिए इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे विन एस टूल जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूल है अगर आपको जैसे कि मान लो ये आपका डेस्कटॉप है फॉर एग्जाम्पल आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो ओके okay, एंड ये एक रिमोट सर्वर है जो कि लिनक्स बेस्ड है अगर आपको अपने विंडोज़ सर्वर से सॉरी विंडोज़ मशीन से किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना है लीनक सर्वर पे या तो लिनक सर्वर से किसी फाइल को अपने डेस्कटॉप पे तो अपनी मशीन पे ट्रांसफ़र करना है सो विन एस टूल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है ग्राफिकल बेस्ड है एंड वो कैसे यूज़ करना है चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सिंपली हम लोग गूगल पे जाएंगे एंड विन एस डाउनलोड आपको सर्च करना है एंड इसके बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड नीचे आप जाओगे यहाँ पे देखोगे डाउनलोड का बटन दिखेगा ग्रीन कलर का एंड सिंपली हम उसको सेव कर लेंगे अपनी लोकेशन पे एंड इसके बाद आप सिंपली डाउनलोड पे जाओ एंड यहाँ पे देखोगे इंस्टॉलर हो गया डाउनलोड सिंपली डबल क्लिक करके हम इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेंगे एंड इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स ओके एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है दैट्स इट एंड या दैट्स इट सो हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया फिनिश एंड यहाँ पे नो ओके एंड लॉन्च वेना से भी कर लेते हैं ओके okay, एंड बाकी जो अन सेलेक्ट कर लेंगे फिनिश सो दैट हमारा जो विन एस एपी है ओपन हो जाएगा ओके सो फर्स्ट टाइम जब हम विन एस ए पी ओपन करते हैं कुछ आपको इस टाइप का विंडो दिखता है सबसे पहले तो एक सेम लॉग इन स्क्रीन दिखेगा जहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिखेंगे जैसे एस एफ टी पी एफ टी पी एस सी पी आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड इसके बाद आपको सेम चीज़ दिखेगी होश नेम एक्सेट्रा सो वहाँ पे आप होश नेम में क्या है अपने वर्चुअल मशीन की आईपी दोगे तो सिंपली हम क्या करते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे चलते हैं इफ़ कॉन्फिक करके हम अप, अपनी पहले तो आई यूज़ कर लेते हैं ठीक है थीके? ये मैं सेंटोएस के लिए आपको दिखा रहा हूँ अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हो तो ए आई ए दी दी कमांड यूज़ करना पड़ेगा होस्ट नेम की जगह मैंने आई डाल दिया पोर्ट नंबर हमारा 22 सेम रहेगा यूज़र नेम पॉल एंड यहाँ पे पासवर्ड आप प्रोवाइड कर सकते हो इसको आप सेव भी कर सकते हो सो दैट्स आपको नेक्स्ट टाइम जब भी एक्सेस करना हो सो दैट आपको आईपी डालने की ज़रूरत ना हो सो so, मैं सिंपली सेव कर देता हूँ सर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये हमारा जो आई है वो सेव हो गया मैं सिंपली लॉग इन करूंगा इट इज़ ऑल्सो आस्किंग फॉर कीस स्टोर करने के लिए पासवर्ड हम फिर से प्रोवाइड कर देंगे एंड या दैट्स सेट सो so, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा विंडोज़ है और राइट right साइड में हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सो so, दोनों साइड बाय साइड है मैं सिंपली पहले वर्चुअल मशीन पे एलेस करके दिखाता हूँ यहाँ पे कोई फाइल नहीं है ठीक है अभी कोई फाइल नहीं है हमारे सिस्टम पे ठीक है मैं क्या करता हूँ विंडोज़ पे मेरे पास एक डॉकर फाइल है सिंपल कोई भी फाइल है सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो है ना सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करो आप देखोगे राइट right साइड में भी आपकी फाइल कॉपी हो गई अभी मैं वर्चुअल मशीन के टर्मिनल पर जाता हूँ एल करता हूँ सो आप देखोगे पहले फाइल नहीं थी डॉकर फाइल अब ये लिनक्स वर्चुअल मशीन पर फाइल कॉपी हो गई सो so इसी तरह से आप विंडोज से लिनक्स पर कॉपी कर सकते हो किसी फाइल को और इन द सेम वे आप लिनक्स से विंडोज पे भी कॉपी कर सकते हो सिंपल ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप्स हम लोग क्या करते हैं एक फाइल बना लेते हैं टच लिनक्स फाइल टच से हम लोग एक फाइल बन जाती है ठीक है सो आप देखोगे एक फाइल बन गई है ना टच कमांड को यूज़ करके सो so अब मैं यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करता हूँ सो so आप देखोगे राइट साइड में लिनक्स फाइल है नहीं अब मेरे को अगर ये फाइल विंडोज पे चाहिए मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो कि हमारा विंडोज़ है ये फ़ाइल हमारे पास विंडोज़ में आ गई तो मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट में जाके सो आप यहाँ पे देखोगे नीचे सो हमारी डॉकर फ़ाइल एंड लिनक्स फाइल जो लिनक्स फाइल हम लोग ने लिनक्स टर्मिनल से ड्रैग एंड ड्रॉप करी थी वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है